नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ भारत आपके लिए फिट भारत प्रोग्राम लेकर आता है कि आप किस तरीके से फिट रह पाए, और हम आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। हम आपको योगा ट्रेनर से मिलवाते हैं तो वहीं जिम में ले जाते हैं, लेकिन आज हम अखाड़े में आपको लेकर आए हैं कि देसी अंदाज है और इस अंदाज से कैसे आप अपने आप को फिट रख पाएंगे, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे दाएं और बाएं आप देख रहे होंगे किस तरीके से पहलवान हैं, और ये पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं तो वाकई वो तस्वीर बेहद अच्छी नज़र आती है, क्योंकि देश का मान ये लोग बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से लोग अपनी सेहत को कुश्ती के ज़रिए ठीक रख पाते हैं वो भी ये पहलवान बताते हैं। तो आज इन्हीं पहलवानों से जानेंगे कि कैसे आप अपने आप को फिट रख पाएं। तो कुश्ती से कैसे अपने आप को फिट रखा जा सकता है, आज हम बातचीत करेंगे। विकल यादव जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विकल जी, सबसे पहले श्रेष्ठ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइएगा इस अखाड़े का नाम क्या है, और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि कैसे देसी अंदाज में हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। इस अखाड़े का नाम है सुखबीर अखाड़ा। सुखबीर अखाड़े में जब हम आए हैं तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल लोग जिम की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, हम देखते हैं योगा भी अपनाते हैं, लेकिन ये ऐसा अंदाज है जो हमारी संस्कृति को भी बनाए रखता है और कहीं ना कहीं हम इससे फिट भी रह पाते हैं। कुश्ती क्या है सबसे पहले ये समझाइएगा, और कैसे आप अपने आप को इससे फिट रख सकते हैं। कुश्ती तो एक बहुत ही अलग गेम है, सबसे हटके हमारा बहुत पुराना, मतलब इस गाँव में लगभग हर घर में मतलब पहलवान है। तो सुबह शाम हम अपना वर्कआउट करते हैं, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को। तो इस कुश्ती को हर कोई कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़े तक इस कुश्ती को कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, महिलाएं भी कुश्ती कर सकती हैं? महिलाएं भी करती हैं कुश्ती। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि आजकल की जनरेशन कैसी है, मोटापा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और कई बीमारियाँ घेर लेती हैं, लेकिन अगर कुश्ती हम करते हैं तो उससे हम अपने आप को फिट रख पाते हैं और ये कहा जाता है कि बीमारियाँ भी दूर होती है, क्या वाकई ऐसा है? देखो जी, एक आम आदमी को भी मतलब अपने शरीर के लिए 1 घंटा तो निकालना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब अगर वो किसी गेम में भी नहीं है तो भी उसको मतलब 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए। 1 घंटा है कि अगर आप बात करें, अब अगर बात करूं मैं, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल है, मैं भी ऑफिस जाता हूं, अलग अलग लोग भी ऑफिस जाते हैं, अगर वो कुश्ती करना चाहते हैं तो अखाड़े में मिनिमम समय यानी कम से कम समय कितना देना होगा? कम से कम 2 घंटा तो एक टाइम में देना पड़ेगा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को। 2 घंटा शाम हाँ। को और अगर मैं बच्चों की बात करूँ, क्योंकि बच्चे आजकल के ऐसे हैं कि जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें खाते हैं, कुश्ती को लेकर अगर आपको फिट रखना है तो उसको क्या खाना चाहिए, कैसे आप अपनी सेहत को बनाते हैं? कुश्ती में हम बाहर का तो खाते नहीं बिल्कुल भी, अपने दूध है, घी है, बादाम, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बस वही खाते हैं। खाना भी अपना हम खुद ही बनाते हैं, सुबह को दाल रोटी खाते हैं बस, और बादाम पीते हैं, मुनक्खा पानी है, और मतलब अपने हाथ का बाहर का नहीं बिल्कुल भी खाते हैं, मतलब हाँ अपने हाथ से बनाते और खाते हैं यहीं पर। कहा जाता है कि कुश्ती जब होती है तो सबसे पहले बजरंग बली जी का नाम लिया जाता है। हाँ जी। और इसमें कहा जाता है कि शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, शाकाहारी तरीके से क्या वाकई अपनी सेहत को हम बना सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं? बिल्कुल जी, शाकाहारी तरीके से बना सकते हैं। कि जैसे कि सुशील पहलवान ओलंपियन, 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो भी शाकाहारी हैं। बजरंग पुनिया ओलंपिक मेडलिस्ट, वो भी शाकाहारी हैं। तो पूरी एक बार लिस्ट बता दीजिएगा, जैसे दाल रोटी तो अमूमन हो गई कि हम दाल रोटी खाते हैं, हम दाल रोटी भी खाते हैं और सारी हरी सब्जियां खाते हैं और हलवा खाते हैं, बादाम पीते हैं, मुनक्खा पानी पीते हैं और दूध पीते हैं बस। अच्छा, ये सब चीज़ें आप करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और अगर मैं दूध की बात करूं, क्योंकि दूध सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अब कुश्ती अगर करनी होती है तो दूध कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए? 2 किलो सुबह पीते हैं और 2 किलो शाम को पीते हैं। अच्छा, कैसे अब की जनरेशन में इंटरेस्ट जगाएंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिम हम लोग जा रहे हैं और लोग प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बीमारियों का भी कारण होता है। आजकल के बच्चों को कैसे आप कहेंगे कि आप कुश्ती की तरफ आइए, अगर कुश्ती की तरफ आएंगे तो देसी अंदाज है और आप फिट भी रहेंगे? मैं ये नहीं कहूँगा कि कुश्ती की तरफ आओ, आप मतलब किसी भी गेम में जाओ पर करो जरूर, मतलब गेम में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, किसी भी गेम में, कुश्ती को नहीं, हर किसी में कुछ भी करो, बॉक्सिंग करो, कुश्ती करो, पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। अब बात करते हैं कंपटीशन की, क्योंकि एक गेम भी बहुत अच्छा है, अपने आप को हम फिट भी रखते हैं, लेकिन अगर हमें गेम के लिए तैयारी करनी हो तो अमूमन कितना समय लग जाता है? देखो, टाइम तो लगता है जी, अभी तो 5-6 साल तो मुझे हो गए, अभी तो मैं भी इतना तैयार नहीं हूँ, तो हर मतलब कम से कम ना तो एक अच्छे लेवल पर खेलने के लिए
8-10 साल तो चेंज ही है एक स्पोर्ट्स पर्सन को। हाँ जी 8-10 साल लगभग लग जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 8-10 साल की मेहनत फिर एक आपको मेडल दिलाती है। बिल्कुल जी। फिलहाल कुछ और बातें आपसे करते हैं, क्योंकि अब लोगों ने कुश्ती को समझ लिया है कि हाँ कुश्ती क्या है, एक गेमिंग भी है, लेकिन कुश्ती के लिए जब हम 1-2 घंटा समय दे रहे हैं तो क्या वाकई जो फिटनेस है फिटनेस बरकरार रहेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अमूमन 2 घंटा देना पड़ता है, अब कोई कॉलेज जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, अगर वो 2 घंटा सुबह नहीं दे सकता तो फिर शाम को भी दे सकता है, अगर वो ऑफिस से आता है कितने बजे तक रहता है? अगर वो मतलब कुश्ती कर रहा है तो मतलब उसको टाइम तो देना पड़ेगा, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को तो होना चाहिए, रेस्ट भी है और अपना खाना भी है, तो वो पहलवानी कर रहा है तो बस खाली पहलवानी कर सकता है। अच्छा हाँ। तो इसमें कितने पोजीशन होते हैं, क्योंकि अगर जिम की मैं बात करूँ तो वहाँ पर कई सारी एक्सरसाइज होती हैं। अब अखाड़े में अगर आप करते हैं तो क्या ऐसा कोई बाउंडेशन है कि हाँ आप कुश्ती एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप कुश्ती के दौरान करते हैं? कुश्ती के दौरान तो आपने देखा होगा अभी प्रैक्टिस करते हैं भाई, यही सारी एक्सरसाइज हम करते हैं, रस्सा करते हैं, सपाटे मारते हैं, अखाड़ा खोदते हैं, बस ये सुबह को रनिंग करते हैं, स्प्रिंट करते हैं। तो चलिए जिस रास्ते की आप बात कर रहे थे उधर चलते हैं, उसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि आखिर वो चीज़ है क्या। क्योंकि ये तस्वीर हम दिखा देते हैं अपने श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को कि ये इसे रास्ता कहते हैं शायद बिल्कुल। हाँ तो ये आखिर कैसे, इसे एक बार करके दिखाइएगा आखिर इसे कैसे करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये रास्ता है और ये कैसे करते हैं ये हमें भाई साहब बता रहे हैं, इसे करके दिखाइएगा। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कुश्ती की कही जाती है, क्योंकि कुश्ती में जब इसका इस्तेमाल होता है तो कहा जाता है कि हाथ पांव बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि चुस्ती के साथ करना होता है, इसके लिए आपको दमखम चाहिए, और कुश्ती में अगर दमखम चाहिए तो आपको वो चीज़ें खानी भी पड़ेंगी, जैसे दूध, और जैसे कल ने पूरी तरीके से बताया कि आपको दाल लेना है, रोटी लेनी है, हरी सब्जी लेनी है, और शुद्ध शाकाहारी तरीके से भी आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और कुश्ती के माध्यम से आप सही तरीके से अपने आप को फिट रख पाएंगे। अच्छा मैं थोड़ा दूर से अपने दर्शकों को मैदान भी दिखा देता हूँ, उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं, चलते हैं। क्योंकि आइए वो मैदान भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर बिल्कुल और तमाम जो पहलवान हैं वो यहाँ पर, ये मैदान है, यहाँ पर करते हैं पूरी तरीके से कुश्ती। और जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैदान आखिर कैसे बनता है, क्योंकि कुल कहा जाता है कि ये मिट्टी माँ होती है, और इस मिट्टी में अगर खेला जाए तो माँ अपने बच्चों को मजबूत बना देती है, ये अभी के जनरेशन नहीं जानती है। लेकिन ये अखाड़े की ये तस्वीर कैसे बनती है, पूरा मिट्टी इसमें डाला जाता है, खोदा जाता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है? इसमें मतलब मिट्टी डाली जाती है, जब मैं ना इसमें मतलब घी डाला जाता है, मेहंदी और हल्दी और तेल, उसको मिला के तब ये मिट्टी बनती है। मिट्टी मतलब हम इसे पूजते हैं एक मंदिर की तरह, हमारे लिए मंदिर है, तभी मैंने माँ शब्द का इस्तेमाल किया है। अच्छा घी डालने का रीज़न क्या है, क्योंकि सब चीज़ें तो है कि मेहंदी डालने का रीज़न क्या है कि करके वो रीज़न भी बताइएगा कैसे वो मजबूती होती क्योंकि है जो उस इससे मिट्टी मतलब जैसे हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं छिल गया या कहीं नाखून लग गए उसके लिए हल्दी डालते हैं, मतलब एक अच्छी बनाने के लिए, तो ताकि मतलब रेत इसमें मिट्टी में रेत ना रहे और अच्छी शुद्ध मिट्टी बने इसके लिए। और ये कहा जाता है कि इसका पूरी तरीके से मान सम्मान भी होता है, इसमें जूते पहन के आप नहीं जा सकते हैं, और अगर आपको जाना है तो इसे चूमना है जैसे एक माँ के पैर छूते हैं, क्या वाकई ऐसा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब एक पहलवान के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसका मतलब अखाड़ा ही है, ये हमारे लिए मंदिर है। हाँ मंदिर की आप पूजा करते हैं और यही मंदिर कहीं ना कहीं आपको परिणाम देता है। बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा आगे और चलते हैं, पूरा मैदान दिखाते हैं और बातचीत करते हैं। हाँ क्योंकि ये यही वो अखाड़ा है जो कुल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अखाड़े में आप जूता पहन के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर की तरह इसे पूजा जाता है। और आप देख सकते हैं ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है, इसमें घी है, मेहंदी है, और जो अन्य चीज़ें बताई गई हैं वो हैं, आप पूरे अखाड़े को देख पाएंगे कि कितना बड़ा ये अखाड़ा है, और इस अखाड़े में ही पहलवान पहलवानी करता है, वो पहलवानी करता है जिससे वो देश का नाम ऊंचा करता है, जिससे वो तिरंगे की शान को बढ़ाता है। इसलिए आपको अंदर भी लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पे भी प्रैक्टिस होती है, और यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा मैट है, अभी हटा पड़ा है मतलब फिलहाल। हाँ अब इसको हम लगाएंगे कल या परसों। हाँ तो ये गद्दा है, हम मैट पे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा यहाँ पे किस तरीके की प्रैक्टिस होती है? मतलब जैसे
स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन आते हैं, नेशनल आते हैं, तो उस चीज़ की हम तैयारी करते हैं यहाँ पे मैट पे। अच्छा हाँ जी। और ये जो रस्सी वगैरह, ये रस्सा है, हाँ रस्सा हम चढ़ते हैं इस पे। अच्छा, इस पे आप चढ़ते हैं। तो ये पूरा है कि ये कितने, यहाँ पे कितने लोग लगभग आ जाते होंगे? यहाँ पे बहुत लोग आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे 40-50 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। 40-50 बच्चे। हाँ। अच्छा, कुछ दीवारों पे ये तस्वीरें भी लगी हुई हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइएगा, क्योंकि कहते हैं कि गुरु की तस्वीरें आप लोग लगाते हैं मान सम्मान के लिए। ये मतलब हम, ये पहलवान है हमारे, मतलब जो जिन्होंने मतलब मेडल वेडल जीते थे उनकी सारी तस्वीरें हैं, इंटरनेशनल पहलवान है इनमें से बहुत। हाँ, इंटरनेशनल पहलवान है, इन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है, गर्व जी होता है आप लोगों को, मतलब इनको देख के हमें मतलब एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा बनना है। हाँ। अच्छा, ये तो हो गई पूरी कुश्ती के बाद, अब अगर हमें घर में कुछ ऐसा करना हो कि फिट रखना हो अपने आप को, जैसे हम दंड, अब दंड बैठक करते हैं, उन चीज़ों के थोड़ा सा बताइएगा कि वो कैसे होती है, क्योंकि दंड बैठक से भी कहा जाता है कि अगर आप घर में भी करें तो भी फिट रह सकते हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज तो है ऐसी? आप अंकित भैयापुरिया को तो जानते हो, उसको देख सकते हो आप। हाँ, वो भी मतलब अपने घर वर्कआउट ही करता है सब, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप करना चाहो तो अपने घर भी कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो कुश्ती में भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तरीके से बता रहे हैं कि आप अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आप पहलवानी में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में भी कहीं ना कहीं पहलवानी के लिए तैयारी कर सकते हैं और घर में वो चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी 3-4 ऐसी एक्सरसाइज बता दीजिएगा कि घर में कर लें, जैसे अगर हम दंड बैठक करते हैं या पुशअप्स करते हैं, वैसी एक्सरसाइज होती है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कोई करके दिखा पाएगा यहाँ पे दंड बैठक या पुशअप? दिखाइए, उठा बैठे। तो ये देखिए, ये आराम से घर पे किया जा सकता है, और यही कुश्ती की खास बात है कि अगर आप अखाड़े में नहीं आ पा रहे हैं तो आप ये घर पे कर सकते हैं। ज़मीन आपको बस चाहिए होगी और ज़मीन पर आप इसे कर सकते हैं। तकरीबन आप इसे 10 से 11 या उससे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, और जितनी आपकी क्षमता है उस अनुसार आप ये कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ और पहलवान हैं, वो भी हमें करके दिखाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज भी थोड़ी मेहनत तो है इसमें, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो अपने आप को तंदुरुस्त रख पाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, और इसे कितने बार करना चाहिए तकरीबन? ये तो आज मतलब जितना ज़्यादा करें उतना ही कम है फिलहाल तो, पर हाँ मतलब ये है कि अपना फिट रहना है तो आप 200 पुशअप्स कर सकते हो, 200 सपाटे मार सकते हो, ये भी कर सकते हो 100-200, तो आप मतलब दोनों टाइम कर रहे हो तो बहुत है, दोनों टाइम करें। हाँ, तो बहुत है। हाँ। अब हम आते हैं महिलाओं पर, एक नॉर्मल मतलब इंसान के लिए। अच्छा। पहलवान के लिए तो पहलवान तो 2-2 हज़ार मार देते हैं। अच्छा। हाँ, ये 2-2 हज़ार आराम से मार लेते हैं पहलवान तो 2-2 हज़ार मार देते हैं। तो ये देखिएगा कितना दमखम हमारे देश के पहलवानों में है। अच्छा, अब एक और सवाल मैं आपसे लूंगा, ये आपके शरीर पे मिट्टी लगी है, अब ये कहा जाता है कि इस मिट्टी को कुछ देर शरीर पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा क्यों? अब ये है कि हमने अपनी प्रैक्टिस कर ली, और जब तक हमारा शरीर मतलब रहता है, मतलब जब तक मिट्टी सूख नहीं जाती तब तक हम नहाएंगे नहीं, क्योंकि बॉडी गर्म रहती है, बीमार होने का कारण है। अगर हम गर्म शरीर पे जाके नहा लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए आराम से हम रिलैक्स जब तक मिट्टी सूख नहीं जाती जब तक नहीं नहाते। अच्छा, सर्दी और गर्मी की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में 6 महीने सर्दी 6 महीने गर्मी रहती है, तो सर्दियों और गर्मियों का प्रोसेस भी अलग है या फिर अखाड़े में कुश्ती बराबर ही? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो सर्दियों में, क्योंकि मिट्टी ठंडी हो जाती है, तो सर्दियों में हम मिट्टी में मतलब करते नहीं प्रैक्टिस, मैट पे करते हैं सर्दियों में। अच्छा, सर्दियों में मैट पे होती है। अच्छा, यही हम आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इसका थोड़ा सा अंदाज अलग है, आप गर्मियों में मिट्टी पे करिए, और जो मैट की तस्वीर दिखाई है वो आप सर्दियों में मैट में कर सकते हैं। अब और खान पान के बारे में क्या कहेंगे कि गर्मी का खान पान अलग होता है, सर्दी का अलग होता है? खान पान हमारा सेम ही रहता है। हाँ, बस हमारा देसी खान पान रहता है, हम दूध दही घी और सारे ड्राई फ्रूट्स और बादाम बस यही खाते हैं, और कोई बाहर का खाना नहीं खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर गर्मी में ये बादाम और ये सब फ्रूट खाए तो गर्मी कर देती है शरीर में, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, है ऐसा कुछ नहीं, हम तो गर्मी में लगातार पीते हैं, हर पहलवान मतलब कहीं भी चले जाइए हर पहलवान बादाम पीता है, हर बादाम, मतलब गर्मी हो सर्दी हो कोई सा भी मौसम हो पहलवान बादाम पिएगा। तो आप मत घबराइए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि आप गर्मी में भी आप बादाम खा सकते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हो और वर्कआउट अच्छा कर रहे हो तो आपको बादाम बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, अगर कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है तो नुकसान कर सकता तो कर सकता है। अच्छा, ठीक है, अब मैं एक दो आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ।
क्योंकि हम फिटनेस को लेकर अपने दर्शकों को बताते हैं कि भैया आपको कैसे फिटनेस रखनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जहाँ तक जिम को कवर किया है, कई लोगों से बातचीत की है, तो कहते हैं कि अगर हम प्रोटीन या कुछ अदर लेते हैं तो उससे हार्ट अटैक का खतरा या ऐसा चीज़ें बनी रहती है। कुश्ती में ऐसा तो कुछ नहीं है? देखो, प्रोटीन एक नॉर्मल चीज़ है। प्रोटीन देखो ऐसे नहीं है, पहलवान भी प्रोटीन लेते हैं, सब प्रोटीन लेते हैं। बात है एस्ट्रॉइड की। हाँ, एस्ट्रॉइड खतरनाक है बहुत ज़्यादा। क्यों एस्ट्रॉइड नहीं लेने चाहिए बिल्कुल भी? बस प्रोटीन, तो देखो प्रोटीन नॉर्मल है, प्रोटीन सब लेते हैं, मैं भी प्रोटीन लेता हूँ, तो प्रोटीन का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन हमारे वर्कआउट करने के बाद हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, तो प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं, प्रोटीन लेना भी चाहिए। तो मैं तो बस ये है कि एस्ट्रॉइड क्या कहते हैं, इंजेक्शन ये सब बेकार की चीज़ें, ये नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आजकल नेट का ज़माना है जी, अगर कोई प्रोटीन खरीद रहा है तो नेट से वो ऑर्डर कर रहा है जी, लेकिन ना डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, अगर आप पहलवानी कर रहे हैं तो ना आपसे कंसल्ट कर रहा है, वो खुद ही ले रहा है, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है? इस बारे में मैं बता रहा हूं कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, क्योंकि अब तो सबसे ज़्यादा फेक चल रहा है बहुत ज़्यादा, हाँ, तो प्रोटीन ले रहे हो तो किसी अपने अच्छे से, जो आपको कोई बड़ा हो जो इस बारे में नॉलेज जानता हो, आप उससे संपर्क करके लो, डायरेक्ट मत लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, नकली चीज़ें बहुत ज़्यादा बिक रही हैं इस टाइप। तो आप नकली चीज़ों से सावधान रहें, जो हमारे पहलवान बता रहे हैं, और उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सेहत से कहीं ना कहीं कुल खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अब आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कुश्ती क्यों करनी चाहिए और कुश्ती कितनी ज़रूरी है शरीर के लिए, कि आप जिम भी जाइए, आप योगा भी करिए, लेकिन कुश्ती भी करिए और उसके ज़रिए फिट रहिए। देखो, कुश्ती एक गेम है और बहुत ही हार्ड वर्किंग गेम है, इसमें चोट भी लगती है, मतलब हारना भी पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग गेम मानता हूँ मैं। तो ये नहीं है कि फिट रहने के लिए तो आप अपने घर भी वर्कआउट कर सकते हो, जिम भी जा सकते हो, पर कुश्ती एक हटके है। अगर आपको कुश्ती करनी है तो फिर कुश्ती में ही घुसना पड़ेगा, कुश्ती में ही रहना पड़ेगा बस। तो ये है कि कुश्ती एक प्रोफेशनल तरीके से कुश्ती ही करनी पड़ेगी। कुश्ती कोई ऐसा नहीं है कि आके कर लिया किसी को, कुश्ती एक बहुत अलग हटके गेम है, कुश्ती के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक करेंगे तभी आप फिट रह पाएंगे, और ये देसी अंदाज है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल इनसे ज़रूर मुलाकात होगी दोबारा, क्योंकि ये हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के पहलवान हैं, फिट रखने का आपने तरीका बताया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।